बहादुरगढ़ से अगली खबर है, जहां अनाज मंडी के कुछ आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करने का मामला सामने आया है। पीड़ित आढ़तियों ने इसके लिए अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। इसे लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आढ़तियों का आरोप है कि अधिकारियों को रिश्वत देने से इनकार करने पर उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए। आरोप है कि समय पर आवेदन के बावजूद भी 6 आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू और अपडेट नहीं किए गए। सीएम विंडो पर इसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। एसडीएम भूपेंद्र सिंह के पास जब शिकायत पहुंची तो देर शाम एसडीएम खुद अनाज मंडी पहुंच गए। आढ़तियों के सामने ही मार्केट कमेटी के सचिव और ऑक्शन रिकॉर्डर को जमकर उन्होंने खरी खोटी सुनाई। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा कि अगर किसी किसान को दिक्कत हुई तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शो कॉज नोटिस अधिकारियों को जारी किया गया है। आज मेरे पास एक सोड़ देगा हुआ किसान आया, हकीकत काजला 10 क्विंटल गेहूँ लेट के उसने सरकारी गेट पास निकलवाया अपना, जो मेरे यहाँ तोल कर चलाया गया, मैंने उसकी पैकिंग करवा दी। उसके बाद मैं ऑक्शन करवाने के लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास गया, जिन्होंने ऑक्शन करने से मना कर दिया और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं तेरी दुकान बंद करेंगे, दूसरे इस जमींदार को दूसरी दुकान भेज, वहाँ इसकी ऑक्शन कर दूंगा। 50,000 रुपये मांगे थे मेरे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, जिसकी मैंने सीएम विंडो की कंप्लेंट दे रखी है। उस चक्कर में ये सेक्रेटरी मेरी दुकान को बंद कराना चाह रहा है। बहादुरगढ़ की जो अनाज मंडी है उसके 6 आढ़ती मेरे पास ऑफिस में आए और उन्होंने ये शिकायत दी है कि वो लोग प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम ये दी जा रही है कि उनके द्वारा जो प्रोक्योरमेंट की जानी है वो उसकी अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने ये बताया कि उनके जो लाइसेंसेज रिन्यू होने थे वो लाइसेंसेज रिन्यू नहीं कहे गए हैं मार्केट कमेटी द्वारा। जब मैंने उनसे डिटेल पूछी तो उन्होंने ये बताया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी है उस चीज़ को लाइसेंस को एक्सटेंड करने के लिए, और भी वो कुछ और भी डिमांड्स कर रहे हैं। तो इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो कल मैंने अपने ऑफिस में बुलवाया है और इन द मीन टाइम मैंने इनको वर्बली ऑर्डर दे दी है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जैसे स्मूथली चल रहा था वो वैसे ही स्मूथली चले।